Everyone, this is Harsh. Welcome back to my new vlog. Guys, आज मैं शूट करने वाला हूँ नथिंग फोन 1 से और ये पूरा जो व्लॉग आप देखने वाला है ये इसी फोन से होने वाला है ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चलेगा कि इस फोन का क्वालिटी किस तरह से और मैं सारी चीज़ को टेस्टिंग करने वाला हूँ, जैसे कि मैं रनिंग करूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा स्टेबलाइजेशन के साथ और ये जो पूरा वीडियो ये मैं पूरा 4K में बना रहा हूँ। और फिलहाल अभी आप लोग बताना कमेंट करके कैसा ये क्वालिटी है और फिलहाल अभी मैं इसका सारा चीज़ टेस्ट करने वाला हूँ। अभी मैं सामने में सन के जस्ट बिहाइंड में हूँ, मतलब मेरे डायरेक्टली सन एक्सपोज में है और फिलहाल अभी टाइम 12 के करीब हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं सन मतलब डायरेक्ट अभी फेस पर आ रही है तो उस तरह से इसमें जो लाइट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह कर रही है अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा फिलहाल। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 4K से जो मेन जो प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, वैसे इसका दोनों जो लेंस है ना अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी लेंस दोनों जो है 50 मेगापिक्सल कैमरा है, बट मैं दिखाता हूँ अभी आपको मेन स्विच कर करके उसका क्वालिटी किस तरह से होता है। तो गाइस फिलहाल मैं स्विच कर चुका इसके मेन जो प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का और ये वीडियो 4K में बन रहा है तो आप लोग बताना कि इसका जो है ओवरव्यू मतलब ये पूरा तरह से मेरे को कैप्चर कर रहा है या नहीं। फिलहाल मुझे पता नहीं अच्छे से चल रहा है क्योंकि मैं जो अभी बैक कैमरा से मैं ज्यादातर ब्लॉग बनाता हूँ और ऑब्वियसली जो ब्लॉगर्स होते हैं वो बैक कैमरा से ही ब्लॉग्स बनाते हैं। और फिलहाल अब इसका स्टेबलाइजेशन थोड़ा देख लेते हैं कि इसका स्टेबलाइज किस तरह से है और फिलहाल ये 4K में ही बन रहा है तो थोड़ा सा अभी थोड़ा रनिंग करते हैं हल्का सा मैं रनिंग कर रहा हूँ बट मोबाइल जो बहुत ज्यादा शेक कर रहा है ऑब्वियसली। और ये बताना आप लोग कि इसका जो रनिंग फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है बट जब मैं एडिट करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और फिलहाल इधर से मैं इधर कुछ कैमरा को टिल्ट करूँ तो इधर भी दिखेगा एंड इधर और बाकी ऊपर एंड नीचे गाइस। तो ये हो गया इसका 4K में प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का और अब इसका स्विच करते हैं इसका मतलब सेल्फी कैमरा, तो जिससे कि आप लोग बताए कि जो आगे में कैमरा होते हैं वो भी इसमें लगा हुआ है 42 मेगापिक्सल का, तो उससे ब्लॉग बनाते हैं। लेट्स सी देखते हैं उसका क्वालिटी किस तरह से आती है, उसके स्टेबलाइजेशन क्या है, लेट्स सी गाइस। फिलहाल मैं स्विच कर चुका हूँ अपने सेल्फी कैमरा से और आप लोग बताना कि सेल्फी कैमरा की क्वालिटी किस तरह से और ये जिसमें जो अल्ट्रा वाइड का कोई फीचर नहीं सेल्फी में और बाकी यहाँ पीछे से कुछ मैं अभी हाथ से ही ब्लॉग कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कितना दूर तक ये कैप्चर कर पा रहा है। और फिलहाल मैं थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ क्योंकि भाई रनिंग करने से बहुत ही पता चलता है कि स्टेबिलिटी किस तरह से है। और फिलहाल ये भाई साहब जो सेल्फी जो कैमरा है ना वो उसमें उतना अच्छा उसमें OIS नहीं है शायद इसीलिए थोड़ा सा ये व्लॉग जो सेक कर रहा है। और गाइस जो मेन इसका जो सेल्फी कैमरा है वो बस 1080 पिक्सल ही सपोर्ट करता है, इसमें 4K आप नहीं व्लॉग बना सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग बताना कमेंट करके कि इसका भी क्वालिटी किस तरह से, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है बट थोड़ा बहुत सेकनेस है इसमें और फिलहाल मैं जब एडिट करूंगा और मैं अच्छे से पता चल जाएगा। और बाकी जो पीछे का ओवरव्यू बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर रहा है और ये देख सकते हैं गाइस। और फिलहाल मैं हार्श सनलाइट के एक्सपोज में हूँ और ऑप्टिमाइज है वो किस तरह काम कर रहा है इसे अच्छे से देख सकता हूँ। मैं कुछ यहाँ फोटो का सैंपल भी लेने वाला हूँ क्योंकि यार ब्लॉगिंग की ज्यादा बहुत सारे लोग फोटोज वगैरह भी खींचते हैं तो फिलहाल मैं कुछ फोटोज आप लोग को स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। और देख पा रहे हो ये सब जो फोटो है ये सब इसी फोन से खींचा गया जो कि बहुत ही मतलब अच्छा है और आप बताना आपको कैसा लग रहा है। और फिलहाल लेट्स सी। तो गाइस फिलहाल मैं अभी हल्का सा दौड़ के स्टेबिलिटी आप लोग को दिखा देता हूँ इसका मेन कैमरा से और ये मेरा अभी हाथ में फोन है और फिलहाल ये इस टाइप का ब्लॉग बना था तो मैं दौड़ता हूँ जल्दी जल्दी से, लेट्स सी। तो गाइस अभी मैं चेक कर रहा था इसका स्टेबिलिटी, भाई साहब लिटरली इतना मैं दौड़ रहा था फास्ट मोड इसका स्टेबिलिटी इतना मस्त आया मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। तो भाई साहब मैंने इसका सारा चीज टेस्ट कर लिया और मुझे ये फोन बिल्कुल परफेक्ट लगा। उसका जो कॉस्ट है भाई साहब बस 30,000 है और इस हिसाब से 30,000 में इतना मस्त फोन मिलने वाला। फिलहाल अभी नाइट क्या 25 मिल रहा था, तुम कितना खरीदा है भाई साहब? 30,000 में सेल में अगर आप खरीदेगा तो 25,000 पड़ जाएगा और मैं 25,000 में इतना मस्त का फोन मिल रहा है गाइस। और आप लोगों को क्या चाहिए, तो मुझे तो लगता है ये आईफोन का टक्कर देने वाला है बट और भी इसका लुक वगैरह सब चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त का है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और मैं शाम को भी दिखाने वाला हूँ कि शाम का क्वालिटी किस तरह, क्योंकि ये तो अभी बड़ा सनलाइट के प्रेजेंट में ये ब्लॉग बन रहा है तो अभी मतलब उतना अच्छे से मुझे पता नहीं चल रहा है नाइट का क्या व्यू होगा। शाम होगी तब भी मैं इससे ब्लॉग करने वाला हूँ तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसका नाइट का जो है किस तरह से ये कैप्चर करता है 4K में, लेट्स सी गाइस। सो गाइस अभी मैं फिलहाल फील्ड पर आया था और अभी टाइम हो चुके हैं 5:55 यानी कि 6 बजने के अप्रॉक्स है और फिलहाल अभी जो है पूरा तरह से अंधेरा होने वाली है, इवन हो चुके हैं अंधेरा। और फिलहाल अभी आप लोग बताइएगा वीडियो क्वालिटी किस तरह से आ रही है और क्या ग्रेन्स वगैरह अभी आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो ना 4K में बन रहा है। फिलहाल अभी पूरा तरह से देखते हैं अंधेरा हो चुकी है और गाइस सूर्य भी जो है वो पूरा तरह से मतलब ढक चुकी है तो गाइस अंधेरा तो हो ही चुका है तो लोग बताइएगा ओवरऑल इसका क्वालिटी कैसा लगा। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from